एक जमाना था कि हमारी सिर्फ डोमिनेंस बैटिंग में हुआ करती थी, लेकिन हमारी टीम बिल्कुल नई टीम है, कप्तान भी नए, खिलाड़ी भी कुछ ऐसे नए हैं और बड़े प्लेयरों को हमने इस सीरीज में रेस्ट दिया। इमरान मलिक हैं जो 150 के पार बॉल डाल रहे हैं और मोहसिन खान हैं और अपने भुवनेश्वर कुमार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग रिसेंटली कंप्लीट हो चुकी है और अब अफ्रीका की टीम भारत दौरे पे आई है और 5 मैचों की सीरीज है और सीरीज का पहला मैच आज खेला जा रहा है दिल्ली के स्टेडियम में। और इस साल हमने बदलाव बहुत किए टीम में और हमारी टीम बिल्कुल नई टीम है, कप्तान भी नए, खिलाड़ी भी कुछ ऐसे नए हैं और बड़े प्लेयरों को हमने इस सीरीज में रेस्ट दिया है और हम एक नया बॉलिंग यूनिट लेके आए हैं और नया एक ऐसे खिलाड़ी लेके आए हैं जिनमें जोश है, जज्बा है। और जैसे ऋषभ पंत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तरफ इशारा किया है, बोला हमें काबिलियत है, सलाहियत है, हम अफ्रीका को फाइट देने में, एक अच्छी फाइट देने में कामयाब हो जाएंगे और हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि नई टीम है हमारी इस साल अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। लेकिन एक ज़माना था कि हमारी सिर्फ डोमिनेंस बैटिंग में हुआ करती थी, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी है, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अब हमारे पास भी बॉलर्स ऐसे हैं जैसे रवीश खान है, मोहसिन खान है और इसके अलावा बुमराह है और भुवनेश्वर कुमार है और इसके अलावा क्या टैलेंट है जिसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है पूरे भारत देश को, इवन जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को, एक इंस्पिरेशन वो बन गए बाकी खिलाड़ियों के लिए। इमरान मलिक की हम बात करेंगे, क्या इमरान आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? वैसे डेविड ने कल इशारा किया है कि उसको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, हम उसको बिल्कुल ज़्यादा मैचेस खिलाएंगे, ट्रायन करेंगे उसे, तब जाके वो इंडियन टीम में, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेशनल लेवल पे। लेकिन अच्छा टैलेंट है और वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है, उसने IPL में अपने जलवे दिखाए हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब वो इंडियन टीम में भी अपने जलवे दिखाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है कि आप दिल्ली आए? बिल्कुल, मैं हमेशा टीम इंडिया को सपोर्ट करता हूँ जहाँ भी मैच होता है और मैं 16 साल से टीम इंडिया को फॉलो कर रहा हूँ जी। धोनी सर हमेशा मेरे को पास देते हैं, बट धोनी सर दिस टाइम नहीं है जी। और मैं धोनी सर की हाजिरी, धोनी और टीम इंडिया की हाजिरी हमेशा लगाने पहुँचता हूँ और अपने देश का झंडा और टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुँचते हैं हम लोग। जहाँ भी मैच होता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, वहाँ हम लोग जाते हैं और टीम इंडिया को चीयर करते हैं। तो आप क्या, आप समझते हैं कि हमारी टीम बिल्कुल नहीं है, हमने बड़े प्लेयरों को इस मैच में रेस्ट दिया है, रॉदर इस सीरीज में रेस्ट दिया है, क्या आप ये टीम नहीं बेशक है लेकिन इसमें टैलेंट बहुत है, क्योंकि ये टैलेंट के बलबूते पे ये प्लेयर आए हैं और एक से एक प्लेयर अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा और एक से एक बॉलर है, इमरान मलिक हैं जो 150 के पार बॉल डाल रहे हैं और मोहसिन खान हैं और अपने भुवनेश्वर कुमार हैं और भी ऐसे अनेक प्लेयर हैं जो क्या डेब्यू करेंगे और टीम इंडिया को एक नई स्थिति पे ले जाएंगे और T20 में ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, क्योंकि 12 T20 हम लोग जीत चुके हैं, ये 13वां T20 जीत के हम एक हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाएंगे और ये साउथ अफ्रीका टीम को कल ये देखेगा टीम इंडिया कैसे परफॉर्म करती है और फतेह हासिल करेगी। चलो, आपने स्पोर्ट्स सबके साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।